रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, डन। सो हाय गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो 8 महीने बाद, हे भगवान, 8 महीने बाद समझ नहीं आ रहा, बोलूँ तो बोलूँ क्या। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू कर लेते हैं। पहले यहाँ से बाहर निकल लेते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब चीज़ें कभी कुछ सामने आ जाता है और आप लोगों से ढंग से बात नहीं हो पाती है, और आप लोगों को मेरे को कुछ कहना है जो मैं 8 महीने से सोच रहा था कि यार एक वीडियो डाल के आप लोगों को मतलब थैंक्स बोलूं। और चलिए कोई नहीं, यहीं से शुरू कर लेते हैं, आप क्या कर सकते हैं, जैसी किस्मत, हवा में उड़ती चलूँ। अच्छा तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सो मैं ये कह रहा था कि पहले तो थैंक यू यार, मतलब मेरी लास्ट वीडियो, ठीक है, जिस पे मुझे 51,000 व्यूज़ के अराउंड मिले हैं अभी, ठीक है, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हाँ मेरी कोई 10वीं 11वीं वीडियो जो है इतनी ज़्यादा चढ़ जाएगी। हाँ मैं सोचता था कि मैं कंटेंट कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊं कि जो वर्क करे, ठीक है, लेकिन जो लास्ट वीडियो में मेरे मतलब मुझे आइडियाज़ मिले ना, जो आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे, बहुत ऑडियंस ने, 144 के नियर अबाउट मुझे कमेंट्स आए थे, ठीक है, और मैं इसे रेगुलर बेस पर चेक कर रहा था, ठीक है, और मैं उन चीज़ों को मैंशन भी कर रहा था कि हाँ मुझे इन चीज़ों पर वीडियोज़ लेकर आनी है, या फिर मतलब जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दूँ कि ऑडियो क्लैरिटी इतनी अच्छी कैसे है, ठीक है, एस जे कैम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट ऑफ यही क्वेश्चन था। इसके अलावा मैंने उसके अंदर जो है जायरो ऑन नहीं कर रखा था उस वीडियो में। बहुत कमेंट्स आए थे मेरे पास कि आपने मतलब इतनी शेकी वीडियो है, एस जे कैम आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको सिंपल बता देना चाहता हूँ, उस वीडियो में मेरा जो है जायरो ऑन नहीं था। यहाँ पे मैंने जो है जायरो ऑन किया है, बट लो मोड पे ऑन किया हुआ है, और मैं आपको तीनों मोड्स में ये वीडियो बना के एक बार दिखाऊंगा कि लो मोड पे है और हाई मोड पे और ऑफ मोड पर आपको कितना ज़्यादा शेकीनेस दिखता है, और वीडियो का जो मतलब एंगल है वो कितना क्रॉप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको माइट बी ये शायद पता होगा कि जब हम क्या करते हैं ना, स्टेबलाइजेशन ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी ना मतलब क्रॉप हो जाती है, साइड साइड से कट जाती है। मेरे को भी इतना लॉजिक नहीं पता, शायद मुझे समझ नहीं आ रहा है इतना खाली एरिया क्यों है भाई यहाँ पे, सन नगर लेबर चौक अगर खाली मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाए ऑफिस वालों के, वो भी 8:30 बजे के आसपास। सही है, ए काली जुबान, बोला ही क्यों, हो गया ना काम खराब सारा का सारा। चलिए अब यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होगा ढीले ढीले। मेरे को ऐसा लगता है यार, अभी ना पता है क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू, ठीक है, तो उस वजह से तो बुरा ही हाल कर रखा है, ठीक है, मैं अब क्या ही बोलूँ, मतलब कि मिलना है जहाँ मिलना है, ठीक है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, काली जुबान मैं नहीं हूँ, ये किस्मत का खेल है, क्या कर सकते हैं। चलिए ओल्ट्रोस गाड़ी यार, बहुत प्यारी गाड़ी है ये, साथ में स्प्लेंडर, सही है। चलो वैसे अपनी यहाँ की DTC बस है ना, आपने देखा हो ना, एक तरफ को ऐसे टिल्ट होके चलती है, या तो लेफ्ट राइट, या तो हाँ मतलब वही लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। चलिए चलिए चलिए, सरिये वाले भैया को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और यार गाइस मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ना फटाफट निकलूँ मैं, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों से बातचीत की जाए, क्योंकि जहाँ मिलना है फ़ायदा कुछ है नहीं, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से फटाफट क्रॉस करता हूँ, उसके बाद हाईवे पे आप लोगों से मिलते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं हाईवे के ऊपर, ठीक है, और जाम सच्ची बहुत जाम था। अच्छा था कि भाई मैंने छोड़ दिया, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, नहीं तो मेरे तो कम से कम 15-20 मिनट वहीं निकल जाने थे, और मैं हो गया हूँ लेट, 8:50 हो गया, और मुझे 9:20 पर ऑफिस पहुँचना है। अच्छा पहले मैं थैंक यू यार, मतलब कि फिर से एक बार मैं, मुझे पता है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मतलब 8 महीने की पेट में पचाई हुई बात है, ऐसे एकदम तो ख़त्म नहीं होगी ना, टाइम तो लगेगा, ठीक है, सो थैंक यू। और अच्छा मैं ना उस वीडियो से आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर मुझे ना बहुत से आइडियाज़ मिले, ठीक है, तो अपकमिंग मैं ना कुछ वीडियोस क्रिएट करने वाला हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे ना कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि अगर आप लोगों के पास, मैं यूँ कहूँ कि SJ कैम है, ठीक है, तो आप मुझसे किस तरह की वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, आप ऑडियो से रिलेटेड वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं, आप एंगल से रिलेटेड वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं, बैटरी बैकअप, अगर आपके पास एक्सट्रीम 160R है तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए 1 साल का रिव्यू, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में होता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स ही हम ब्लॉगर्स को आइडिया देते हैं कि हमें क्या कंटेंट बनाना है ना, क्योंकि देखो अपनी मर्जी का कंटेंट बना के फ़ायदा नहीं ना, जिन लोगों जिन मतलब जैसे मेरी ऑडियंस होगी, ठीक है,
मेरी ऑडियंस को क्या कंटेंट चाहिए मुझसे, ठीक है, मैं वो प्रोड्यूस करूँ या मैं वो प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है, राइट। सो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या इशू आते हैं एस जे कैम्प को लेके, और वहाँ पे मैं आप लोगों की क्या हेल्प कर सकता हूँ, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। तो अभी के लिए ना, मैंने जब वो प्रीवियस वीडियो डाला था, हाय हाय, एक तो ना कसम से इतने खुले रोड पे चलाने का जो मज़ा है ना बाइक का, बस एक बार में लगा दो, काश इसके अंदर क्रूज कंट्रोल और होता, इसके एक बार सेट करके गायब। हाय 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 हाय, कभी कभी ये जो दिल से भावनाएं बाहर आती है ना, मज़ा आ जाता है इनका भी। अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा था कि जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, एक मिनट स्लो कर लेते हैं हल्का सा, होले होले चल रहे बाल। आजकल वो गाना बहुत फेमस हो रखा ना, दो बच्चे मस्त अपना, होले होले बाल माँ धीरे धीरे बाए, बाय गोड से एक बाइक तीन बंदे, और वो भी विदाउट हेलमेट, पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यूँ कह रहा था कि जो मेरी लास्ट वीडियो मैंने डाली, ठीक है, उसमें मैंने ना जायरो ऑन नहीं कर रखा था, ठीक है। सो मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे उसमें कि बहुत शेकी वीडियो है, ऐसे एंगल का क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे एंगल का कुछ नहीं किया जा सकता, आई अंडरस्टैंड। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने उस जायरो में, मतलब वो जो वीडियो था उसमें मैंने जायरो ऑन नहीं किया हुआ था, ठीक है, ऑफ कर रखा था, और वो कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक थी। बहुत जाम था, बहुत जाम था, मेरी तो बुरी हालत हो गई निकलते निकलते, जैसे ही मैंने हाथ फैलाया और मैंने कहा ये जिंदगी, और जिंदगी ने ऐसा जाम दिखाया मुझे मजनू का ठेला पे। मैं भूल चुका था आज सोमवार है, ठीक है, और मुझे बहुत ज़्यादा जाम मिलने वाला है, मुझे थोड़ा सा रॉन्ग साइड निकलना चाहिए था, बट कोई बात नहीं है, फाइनली पहुँच गए हैं, थोड़ा लेट हो गया, 9:10 के करीब हो गया मेरे हिसाब से टाइम, ना श्योर नहीं हूँ, मैं देख भी नहीं रहा हूँ उस तरफ, छोड़ो लेट इट बी। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ कह रहा था कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो डाली, ठीक है, यार अभी ना अपने को थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, मैंने हिसाब लगाया है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा जाम आता है ना, मैं टॉपिक से भटक जाता हूँ, ठीक है। तो मैं यूँ कह रहा था कि एस जे कैम्प पे जायरो के तीन मोड मिलते हैं, ऑफ, लो और हाई, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इन तीनों पे वीडियोस बनाई जाएँ, ठीक है। इन तीनों पे वीडियो बनाने का मतलब, आपको एक आइडिया दूँ मैं कि जब जायरो आप ऑफ रखते हो, या जायरो जब आप लो रखते हो, या जायरो जब हाई रखते हो, तो किस तरह की फ्रेम आती है, और फ्रेम कितनी क्रॉप होती है और कितनी नहीं होती है। ए तेरी, ए यार, मतलब हद हो गई है भाई साहब, दो कैमरे लगा रखे हैं, कैमरे कह रहा हूँ शीशे लगा रखे हैं स्टिल। कोई बात नहीं, माफ़ कर दे विजय, बहुत लोगों को माफ़ करता है, इसे भी माफ़ कर दे, ठीक है। अब अपने दर्शन होंगे, हर हर महादेव, वैसे यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है। भाई साहब महादेव, चलिए। तो मैं यूँ कह रहा था कि मैं वो तीन वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, मतलब तीन अलग अलग फ्रेम पे बनाएंगे, ठीक है, और आप प्लीज़ उसको चेक कीजिएगा, चेकआउट कीजिएगा कि किस तरह का मतलब फ्रेम फाइनली आउटपुट आता है, ठीक है। आप लोगों के लिए क्या बेस्ट है, ज़ायरो हाई बेस्ट है, ज़ायरो लो बेस्ट है, या ज़ायरो ऑफ बेस्ट है? ऑफ तो कभी बेस्ट होता ही नहीं है, मैंने बना के देख ली वीडियो, बाय बोर्ड से बहुत गालियाँ पड़ी थी, लोगों ने मेरे को सीधा सीधा ये भी बोला है कि भाई ये वीडियो बनाया ही क्यों है। अंडरस्टैंड यार, होता है, गुस्सा आता है भाई, सबको आता है, हमें भी आता है, मैं भी किसी की वीडियो देखूंगा, रद्दी वीडियो डाल देगा, तो भाई साहब पढ़ेंगी, क्या कर सकते हैं, मैंने डिलीट कर दिया था वो कमेंट, कहीं जाके ढूंढने लगा। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे मौसम सुहाना, और इस मौसम सुहाने के चक्कर में उत्तर प्रदेश बस मेरे सामने है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, बहुत घटिया बसें लगती हैं यार, बिल्कुल मज़ा नहीं आता इन बसों को देखने का, ठीक है। अच्छा, वो देखिए इलेक्ट्रीशियन की आजकल बसें आने लगी हैं, इलेक्ट्रिक वाली न्यू को, भाई मैं अभी रिसेंट में ऋषिकेश गया था उस बस से, बाप रे क्या बस है यार, मज़ा आ जाता है। हाँ, थोड़ी लेट हो जाती है, सुबह का टाइम उसका 6 बजे का, उसने हमें उतारा होगा कोई 7:30 बजे के करीब, बट कोई नहीं, लेकिन बस बहुत शानदार है, एसी उसका बंद नहीं होता है, अगर आपने चादर शॉल नहीं रखी हुई है तो आप कसम से गए। चलिए, ये तो टॉपिक से बाहर हो गया,
बट यार मैं सही कहूँगा, कहीं लोग ना, बहुत से लोग ना अपने ना मतलब ऑफिस रूट से दुखी होंगे, ठीक है। जब मैं अपने ऑफिस में बताता हूँ ना, मैं बुराड़ी से आता हूँ, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, बुराड़ी से, बुराड़ी से। अभी बुराड़ी से तो क्या 28, 25, 29, 30 किलोमीटर के करीब आसपास पड़ता होगा नोएडा, बट रास्ता एक नंबर मिलता है। बस आप बुराड़ी बाईपास एक बार पार कर लो, उसके बाद जो मजा आता है ना, एक तो इस रेडर ने 125 सीसी, और ये लोग ऐसा कुत्ता बनाते हैं ना इस बाइक का, बाइक गोड़ से ही ना मारूंगा सबको सबको फिल्म एक करके। मैं ना अपनी बाइक से करता हूँ प्यार, ठीक है। मैं इसको रगेड़ता नहीं, मतलब कि अंधा नहीं। हाँ अब कोई ज्यादा ही हूल दे, ठीक है, बार बार आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे ऐसा करे तो मैं पेल देता हूँ, ठीक है, फिर नहीं छोड़ता, थोड़ा सा मिलता हूँ, कहना यही चाह रहा था। चलिए कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिए, मैं भी दो लोगों को माफ़ कर चुका हूँ आज मैं। एक तो बाय गोड से ये जो रोड बनाया हुआ है ना, ठीक है, बहुत प्यारे रोड है। बस इन रोडों की थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि बीच बीच में जो ये क्रॉसिंग आती है ना, ये अभी देखना आप अगले वाले पे आएगा, ठीक है। हाँ ये इसमें जो बाइक हिलती है ना धगड़ धगड़, और इतने बढ़िया हाईवे पे मुझे समझ नहीं आता। अभी रिसेंट में इन लोगों ने दो ब्रेकर बना दिए, ठीक है, तो इन ब्रेकर का मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आता भाई, क्यों ये ब्रेकर बना दिए। हाईवे है अपना, हाईवे है, ठीक है, वहाँ से गाड़ियाँ आ रही है, पहले भी आती थी भाई साहब। इन लोगों को देख के ना बहुत ऐसे मतलब लाइक क्या ही बताऊँगा इसमें। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, और मैं आप लोगों को बस ये जो वीडियो लाने था, ये मेरे को इस वीडियो में बस आप लोगों से यही कहना था कि यार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, यार थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। बस अब थोड़े से सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है, और मस्त मस्त ब्लॉग्स लेकर आऊँगा मैं, अब कंटिन्यू करूँगा। मुझे पता है बहुत टाइम था, एक बंदे ने मुझे कमेंट करा था कि भाई बाइक चलाते चलाते आपका कोई कैमरा ले गया कोई, ऐसे कैसे ले जाएगा, दे लूंगा अलग मैं। चलिए कोई बात नहीं, तो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आगे बात करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच इस ब्लॉग को देखने के लिए, और अगर आप लोगों के माइंड में कुछ भी हो, कुछ भी, ठीक है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके शेयर करें, ठीक है। अच्छा कमेंट करेंगे पोस्ट रहने दूंगा, ठीक है, गंदा कमेंट पोस्ट करोगे डिलीट कर दूंगा, सिंपल सा लॉजिक है, चैनल अपने बाप का है, कोई दिक्कत नहीं है। सो फटाफट इसे ख़त्म करते हैं ब्लॉग को, ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे।